अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एन टीवी उर्दू। इस चैनल में हम आपके लिए बहुत ही इंटरटेनमेंट से भरपूर वीडियोस लेकर आते हैं। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आए तो वीडियोस को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं हम वीडियो। पाकिस्तान में पिछले 24 घंटों के दौरान क्राइम की वारदातें, डकैती 0, कत्लेआम 0, अगवा 0, चोरी 0, मियां बीवी के झगड़े 94,311। एक मुलाजिम ऑफिस में बैठा रो रहा था। इसी वक्त अफसर आ गया और मुलाजिम से पूछा, क्यों रो रहे हो? मुलाजिम, सर मुझे बीवी ने मारा है। अफसर, रोया नहीं करते, तुमने कभी मुझे रोते हुए देखा है? शेख से भड़कर शेख। एक शेख साहब के घर कुछ शेख रिश्तेदारान से मिलने आए। बीवी ने किचन में शेख साहब को बुलाया और बताया कि घर में चीनी नहीं है। शेख साहब ने बीवी से कहा, पत्ती दूध हमेशा की तरह कम और पानी ज्यादा डालकर चाय बनाओ, बाकी मैं संभाल लूंगा। बीवी ने मेहमानों को चाय पेश की तो शेख साहब ने कहा, इसमें से एक कप में चीनी नहीं है। वो जिसके हिस्से में आए, हम सब कल बीवी बच्चों के साथ इनके घर में मेहमान होंगे। सब रिश्तेदारों ने इंतहाई खामोशी से चाय पी ली, जबकि एक ने तो ये भी कहा, मेरे कप में चीनी बड़ी तेज। बच्चे को माँ से बड़ी मार पड़ी, वो बहुत रोया। तब आप ऑफिस से घर आया तो बच्चे का मूड खराब देखकर पूछा, बेटा क्या हुआ है? बच्चा, बस अब मैं तुम्हारी बीवी के साथ नहीं रह सकता, मुझे अपनी बीवी चाहिए। रात के 3 बजे थे, खटके से रुबीना की आंख खुल गई। देखा तो चेहरा छुपाए पिस्तौले ताने 4 डाकू पड़े थे। रुबीना के शोहर को उन्होंने बांध दिया और बच्चों को ड्राइंग रूम में बंद कर दिया। अलमारियों की तलाशी के बाद काफी जेवरात मिले और खासा कैश भी। फिर एक डाकू ने कहा, अमेरिका से 1.25 लाख का जो आईफोन तेरे भाई ने भिजवाया है वो कहाँ है? और सालगिरह के मौका पर जो तुम्हारे शोहर ने तुम्हें हीरो का हार तोहफे में दिया है वो भी फटाफट निकाल दो, वरना गोली मार दूंगा। बीना ने पूछा, लेकिन भाई आपको ये सब कैसे पता? डाकू, अरे हम तुम्हारे फेसबुक फ्रेंड्स जो हैं।